1895 में आज ही के दिन जर्मन भौतिक शास्त्री विल्हेम कोनार्ड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। रॉन्टजन ने मानव को त्वचा और मांसपेशियों को काटे बिना शरीर के अंदर झांकने की ताकत दी थी। रॉन्टजन एक दिन सामान्य ढंग से कांच की नली के दोनों छोरों को तारों से जोड़कर विद्युत परिपथ पैदा कर रहे थे, उसी दौरान एक घटना घटी। रॉन्टजन की नली को काले कपड़े से लपेटने के बावजूद मेज पर हरे रंग की तरंगे झिमला रही थी। रॉन्टजन ने महसूस किया कि हरे रंग की तरंगे अपारदर्शी पदार्थों को भेद जाती हैं, तो हैरानी का ठिकाना ना रहा। इस घटना का प्रायोगिक शोध करने के बाद रॉन्टजन ने इन्हें एक्सरेज यानी अज्ञात किरणें नाम दिया। रॉन्टजन के सम्मान में इसे रॉन्टजन किरणें ही कहा जाता है। 1901 में रॉन्टजन को भौतिक के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने इस पुरस्कार के साथ मिली सारी धनराशि अपनी यूनिवर्सिटी को दान कर दी। रॉन्टजन ने इन किरणों की खोज का पेटेंट भी कराने से इनकार कर दिया, ताकि उनकी खोज सारी मानव जाति के लिए समान रूप से फायदेमंद हो सके। 1957 में आज के दिन इंग्लैंड के कम्बरलैंड विंड स्केल परमाणु ऊर्जा प्लांट में लगी आग की वजहों का पता चला था। जांच कर रही समिति ने मानवीय भूल, खराब प्रबंधन और दोषपूर्ण उपकरणों को इसका जिम्मेदार ठहराया था। प्लांट में आग लगने के बाद रेडियोधर्मी आयोडीन वाष्प आयोडीन 131 पर्यावरण में प्रवेश कर गया और चिकित्सकों की सलाह के बाद दूध की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जांच कर रही समिति ने कई सिफारिशें की, जिसमें भविष्य में लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले ऐसे खतरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आकलन ज्यादा करने की बात कही गई थी। आज के दिन 1987 में उत्तरी आयरलैंड के एनिसकीलन में स्मृति दिवस के मौके पर एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 65 लोग जख्मी हुए थे। उत्तरी आयरलैंड में हुए इस आतंकी हमले में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बम धमाके में एक इमारत की दीवार उड़ गई, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। 1990 में आज ही के दिन आयरलैंड में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में मैरी रॉबिन्सन को चुना गया था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई मैरी रॉबिन्सन को पहले चरण में ही 40% मत मिले थे। पहले चरण में जो प्रदर्शन दिखा, उससे ये तय माना जा रहा था कि अब किसी और के जीतने की संभावना कम ही है। और 2008 में आज ही के दिन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान प्रथम चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर 525 किलोग्राम का एक उपग्रह ध्रुवी कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह ने अपने रिमोट सेंसिंग यानी दूर संवेदी उपकरणों के जरिए चंद्रमा की ऊपरी सतह के चित्र भेजे थे। चंद्रयान चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान प्रथम पर मौजूद भारत के अपने मूल इम्पैक्ट प्रोब से लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रयान प्रथम के प्रक्षेपण के करीब एक पखवाड़े बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था। उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत दिए थे। चंद्रयान ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है।